दोस्तों आज की वीडियो डार्क सीरीज की फोर्थ वीडियो है और आज हम इस सीरीज की एपिसोड 9 और 10 पे बातें करने वाले हैं। दोस्तों डार्क सीरीज में अब तक हम समझ पाए हैं कि मिकेल 2019 से 1986 में टाइम ट्रैवल किया है और वो माइकल है। विंडन केव्स में वार्म होल है जिसकी मदद से कई लोग टाइम ट्रैवल कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉनस 1986 में गया और अल्रिक 1953 में पहुंच गए। हम यहाँ एक नोआ नाम के मिस्टीरियस इंसान को भी देख पाते हैं जो कि खुद का एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है और वो इस मशीन से बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इन सब में हेल्गे नोआ का साथ दे रहा है और 1953 में छोटे हेल्गे पे हमला करके उसे केबिन में मरने के लिए छोड़ दिए हैं। तो यहाँ शुरू होती है एपिसोड 9, जहाँ हम व्यूअर्स हेल्गे के पेरेंट्स को उसे खोजते हुए पाते हैं। हेल्गे के पिता बर्न डॉपलर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और वो इगोन को किसी तरह हेल्गे को खोजने बोलते हैं। इगोन को यहाँ अल्रिक पे शक होता है क्योंकि कुछ ही समय पहले अल्रिक उनसे दो डेड बॉडीज के बारे में पूछ रहे थे और अल्रिक ने उनसे हेल्गे के बारे में भी पूछा था। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स नोआ को 1953 में देखते हैं जो कि एज यूजुअल सेम दिख रहा है। ग्रेटा डॉपलर नोआ से बातें कर रही थी और नोआ उन्हें उनके बेटे हेल्गे के गायब होने पे कंसोल कर रहा था। यहाँ ग्रेटा कॉन्फेस करती है कि वो अपने बेटे हेल्गे को पसंद नहीं करती थी क्योंकि हेल्गे प्यार का नतीजा नहीं था। नोआ यहाँ कुछ मिस्टीरियस बातें बोलकर प्रे करता है। मीनवाइल इगोन अल्रिक को विंडन शहर में ढूंढ रहे थे और उन्हें अल्रिक विंडन केव्स की तरफ जाते दिखता है। यहाँ इगोन अल्रिक को चेज करते हैं और इससे पहले अल्रिक केव्स के अंदर जा पाते इगोन उन्हें पकड़ लेते हैं। इस सीन में अल्रिक को पता चलता है कि जिन दो बच्चों की लाश 1953 में मिली है वो अब तक डेड है एंड दिस वाज स्ट्रेंज क्योंकि छोटे हेल्गे के मरते ही सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था। इसकी वजह यह है कि 1986 वाले हेल्गे ने ही उन बच्चों को किडनैप किया था और अगर हेल्गे 1953 में ही मर जाता तो ये किडनैपिंग्स होती ही नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ छोटा हेल्गे किसी तरह अभी तक जिंदा था और अल्रिक के प्रहार की वजह से ही उसकी कान थोड़ी अजीब सी हो गई थी। यहाँ सीन चेंज होकर 1986 में आती है जहाँ यंग अल्रिक जेल से बाहर आ चुका था और है ना अल्रिक और कैथरीन से झूठ बोलती है कि उसका पुलिस कंप्लेंट रजीना ने किया है। इस वजह से अल्रिक और उसकी गर्लफ्रेंड कैथरीन दोनों रजीना से नफरत करने लगते हैं और एक शाम फॉरेस्ट में वो दोनों रजीना को बुली करते हैं। ठीक उसी वक्त हम फॉरेस्ट में एक टीनेजर को देखते हैं जिसके हाथ में पिस्टल थी और इस टीनेजर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे एक गोली भी लगी है। ये टीनेजर किसी से दूर भाग रहा था और रास्ते में वो अल्रिक और कैथरीन को देखता है जो कि रजीना को परेशान कर रहे थे। ये टीनेजर इन दोनों को गन दिखाकर वहां से भगाता है और रजीना इस टीनेजर का वुंड देखती है। ये टीनेजर और कोई नहीं बल्कि अलेक्जेंडर था जो कि फ्यूचर में रजीना का हस्बैंड होगा और अलेक्जेंडर ही 2019 में पावर प्लांट ओनर था। अब यहाँ ट्विस्ट ये थी कि अलेक्जेंडर का असली नाम बोरिस नील वॉल्ट था और वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा था। अलेक्जेंडर अपनी बोरिस नाम वाली पासपोर्ट को फॉरेस्ट में ही छुपा देता है और इस सीन में हम व्यूअर्स यंग हैना को देख पाते हैं जो कि अलेक्जेंडर को अपना पासपोर्ट छुपाते देख ली थी। तो दोस्तों ठीक होने के बाद अलेक्जेंडर जॉब पाने के लिए पावर प्लांट में जाता है और 1986 में पावर प्लांट की बॉस क्लॉडिया थी जो कि अलेक्जेंडर के काम करने वाले जज्बे से काफ़ी प्रभावित थी। क्लॉडिया अलेक्जेंडर को एक सीक्रेट काम देती है जहां उसे एक हिडन डोर बनाना था और वो डोर पावर प्लांट को विंडन केव से कनेक्ट करेगा। दोस्तों ये वही जगह है जहां न्यूक्लियर वेस्ट के बैरल्स रखे गए थे। तो जब क्लॉडिया इस जगह को बैरल्स चेक करने के लिए विजिट करती है तो उसे वहां उसका कुत्ता ग्रिचन मिलता है जो कि आज से 33 साल पहले 1953 में केव्स के अंदर खो गया था। अब दोस्तों क्लॉडिया एक शातिर औरत थी और वो फौरन ही इस पावर प्लांट ओनर बर्न डॉपलर से बातें करने जाती है। बर्न एडमिट करते हैं कि समर में इस पावर प्लांट में एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हुए थे और बर्न क्लॉडिया को यह बात विंडन शहर के लोगों से छुपाने के लिए बोलती है। यहाँ रेफरेंस किया जा रहा है शर्नोबिल एक्सीडेंट को जो कि अप्रैल महीने में सचमुच 1986 में जर्मनी में हुई थी। एनीवेज अब अगर आपको याद हो तो 2019 में बूढ़े हेल्गे भी इस केव के अंदर गए थे लेकिन अल्रिक की तरह वो 1953 में नहीं निकले थे। इनफैक्ट वो दूसरा रास्ता लेकर 1986 में आए थे जहां वो खुद के यंगर सेल्फ से बातें करना चाहते थे। 1986 में आज ट्यूजडे थी और 1986 वाले हेल्गे को पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट देने जाना था। इंस्पेक्टर इगोन हेल्गे को खोजते हुए इसके घर तक आते हैं लेकिन हेल्गे इगोन की नजर से बचते हुए छुप जाता है। इसके बाद हेल्गे केबिन में जाता है जहां वो नोआ के साथ मिलकर टाइम ट्रेवल वाले चेयर को फिक्स करने की कोशिश करता है। इस सीन में हमें पता चलता है कि हेल्गे एक्चुअली में गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से कुछ मासूम बच्चे मर रहे थे और वो ये बात नोआ से बोलता है। नोआ का कहना था कि जिस तरह आइंस्टाइन अपने एक्सपेरिमेंट्स पे अंत तक काम कर रहे थे ठीक उसी प्रकार इन्हें भी काम करते रहना होगा। नोआ बोलता है कि वो इस दुनिया से दर्द को दूर करना चाहता है और वो चीज़ों को शुरू से अंत तक एक सही ऑर्डर में प्लेस करना चाहता है। यहाँ सीन चेंज होकर 2019 में आ जाती है जहाँ कैथरीन अपने पति अल्रिक को खोजते हुए हैना के घर पहुँचती है। यहाँ हैना और कैथरीन के बीच लड़ाई होती है और इस लड़ाई के दौरान हैना वापस झूठ बोलती है कि उसके और अल्रिक के अफेयर को उसने ही एंड किया है ना कि अल्रिक ने। हैना कैथरीन से और भी झूठ बोलती है कि अल्रिक ने उसे बताया कि वो अपनी बीवी से प्यार नहीं करता है और इन बातों को सुनकर कैथरीन बहुत रोती है। दोस्तों हैना अल्रिक को बर्बाद करना चाहती थी और इसीलिए वो पावर प्लांट ओनर अलेक्जेंडर से मिलने जाती है। हैना बताती है कि उसे अलेक्जेंडर की पूरी सच्चाई पता है जहाँ अलेक्जेंडर का असली नाम बोरिस नील वॉल्ट है।
जी हाँ दोस्तों, 1986 में हैना ने अलेक्जेंडर के हाइडिंग प्लेस से उसका पासपोर्ट वगैरह चुरा लिया था और 2019 में वो अलेक्जेंडर को ब्लैकमेल करना शुरू करती है। हैना बोलती है कि अलेक्जेंडर को अपने पावर्स का इस्तेमाल करके अल्रिक को बर्बाद करना होगा, वरना वो उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पुलिस को बताएगी। अलेक्जेंडर के लाइफ में कई सीक्रेट थे, उनमें से एक सीक्रेट ये थी कि उसने ही बैरल्स को एक ट्रक में रखवा के खाली करवाया था और ये ट्रक फिलहाल एक सिक्लूडेड लोकेशन पे थी। हम व्यूअर स्ट्रेंजर को इस लोकेशन पे पहुंचते देखते हैं जहां वो इन बैरल से कुछ सैंपल निकालकर चला जाता है। सीन एक बार फिर से चेंज होती है जहां रेजीना स्ट्रेंजर का कमरा क्लीन करने जाती है और उसे वहां ढेर सारी आर्टिकल्स और पेपर कटिंग्स मिलते हैं, जिनमें से एक पे मिकेल की तस्वीर भी थी। दूसरी तरफ मार्था जॉनस से मिलती है और वो उसे किस करने की कोशिश करती है। जॉनस तो अब जान गया था कि मार्था उसकी आंट है और इसलिए वो मार्था को किस करने से रोकता है। मार्था ना तो अब बार्टोस के साथ थी, ना ही जॉनस उसे भाव दे रहा था। अब दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में 2052 की झलक देखी थी जहां हमने बूढ़ी क्लॉडिया को देखा था और क्लॉडिया 2019 में बार्टोस से मिलने आती है। क्लॉडिया बार्टोस की ग्रैनी थी और वो बोलती है कि उन्होंने अपने लाइफ में कई गलतियां की हैं जिसे वो काफ़ी रिग्रेट करती हैं। ऐसा बोलकर वो वहां से बिना अपनी बेटी से मिले चली जाती है। इस इंसिडेंट के बाद बार्टोस नोआ से मिलने जाता है और वो बोलता है कि नोआ की सारी प्रेडिक्शन सच है। अब दोस्तों, हम व्यूअर्स को ये नहीं पता कि नोआ ने आखिर क्या प्रेडिक्ट किया था, लेकिन इस सीन में हम इतना ज़रूर समझ पाते हैं कि बार्टोस नोआ के साइड हो गया था और वो नोआ के साथ काम करने की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। एपिसोड 9 की लास्ट सीन में हम व्यूअर्स बूढ़ी क्लॉडिया को 1953 में HG टेनहॉस से मिलते देखते हैं जहां वो टेनहॉस को एक टाइम मशीन की ब्लूप्रिंट देती है। क्लॉडिया वांटेड कि टेनहॉस इस ब्लूप्रिंट की मदद से एक टाइम मशीन बनाए। यहाँ शुरू होती है डार्क सीजन 1 की आखिरी एपिसोड और इस एपिसोड की कहानी 1953 में शुरू होती है। इगोन अल्रिक को कैद करके पुलिस स्टेशन ले आए थे और पुलिस स्टेशन में अल्रिक की फोटोज ली जा रही थी। अल्रिक का कहना था कि वो सब कुछ चेंज कर सकता है, लेकिन इगोन और बाकी पुलिसमैन अल्रिक को ही चाइल्ड मर्डरर समझ रहे थे। अल्रिक के लाख रिक्वेस्ट करने के बाद भी इगोन उसे रिहा नहीं करते हैं और अल्रिक इगोन से पूछता है कि क्या वो अभी से ही पीना शुरू कर चुका है या फिर वो अपनी वाइफ के छोड़ के जाने के बाद पीना शुरू करेगा। नाउ दिस वाज स्ट्रेंज फॉर इगोन, लेकिन अल्रिक तो 2019 से था और उसे इगोन के फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता था। और यहाँ जो अल्रिक की फोटोज ली जा रही थी वो न्यूज़पेपर में प्रिंट करने के लिए ली जा रही थी। यहाँ सीन चेंज होकर 2019 में आती है और ये उस दिन की कहानी है जिस दिन मिकेल गायब हुआ था। शुरुआती एपिसोड्स में हमने देखा था कि पीटर और ट्रॉन्टे कुछ छुपा रहे थे और अभी हमें वही स्टोरी पता चलेगी कि आखिर वो लोग मिकेल के गायब होने वाले दिन क्या कर रहे थे। पीटर डॉपलर वापस से प्रोस्टिट्यूट के पास जाने की सोच रहा था, बट देन वो अपनी अर्जेस को कंट्रोल करता है। वो केबिन में जाकर प्रे करने लगता है ताकि उसके मन में दोबारा ऐसे ख्याल ना आए, लेकिन तभी अचानक हम व्यूअर्स इस केबिन के अंदर एक वॉर्म होल क्रिएट होते देख पाते हैं और इस वॉर्म होल से मैड्स गिरता है। मैड्स की आंखें जली हुई थी और पीटर मैड्स के स्कूल आईडी से उसे पहचान पाता है। पीटर फौरन ही ट्रॉन्टे को इस केबिन में बुलाता है और ट्रॉन्टे इस सीन को देखकर शॉक में थे। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैड्स 1986 में गायब हुआ था और नोआ द्वारा करी गई एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी बॉडी 2019 में आ गई। इस केबिन में क्लॉडिया भी आती है और उनका कहना था कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि उन्हें एक्सप्लेन करनी है, लेकिन फिलहाल इन लोगों को मैड्स की बॉडी फॉरेस्ट में डालनी होगी जहां पुलिस इस बॉडी को खोज सके। यहां से कहानी 2019 में ही प्रेजेंट में आ जाती है जहां पीटर और ट्रॉन्टे आपस में बातें कर रहे थे कि आज का दिन खत्म होने के बाद सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, जहां मैड्स भी जिंदा बचेगा और सब कुछ एकदम सही टाइमलाइन में सेट हो जाएगी। इस सीन में पता चलता है कि पीटर और ट्रॉन्टे को ये सारी बात क्लॉडिया बता रही थी और ये दोनों एक बुक को फॉलो कर रहे थे जिसमें वो सारी बातें लिखी थी जो कि पिछले कुछ दिनों में हुई थी। पीटर यहाँ क्लॉडिया पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहा था क्योंकि इस बुक की कुछ पेजेस गायब थी एंड दिस वाज क्वाइट क्वेश्चनेबल। दूसरी तरफ मार्था बार्टोस को जॉनस के साथ होने वाली बात बताती है और उसकी वजह से बार्टोस जॉनस को मारता है। इस फाइट के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब दोस्तों, शार्ले अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि बूढ़े हेल्गे हॉस्पिटल से वापस मिसिंग है। शार्ले अपने पति पीटर से हेल्गे के बारे में पूछती है और पीटर का कहना था कि 1953 में हेल्गे एक बार बचपन में गायब हुए थे। इस बात को जानकर शार्ले 1953 के केस फाइल्स को चेक करना शुरू करती है और इन केस फाइल्स में उन्हें एक न्यूज़पेपर मिलता है। 1953 के न्यूज़पेपर में अल्रिक की फोटो थी और पेपर वाले उन्हें चाइल्ड मर्डरर बता रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो सब पहले हो चुका है एंड एज आई सेड इन फर्स्ट वीडियो, सारी घटनाएं एक लूप में कनेक्टेड है जो कि बार बार हो रही है। शार्ले सभी क्लूज को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो इस केस को अच्छे से समझ सके, लेकिन तभी उसे पीटर का कॉल आता है जो कि शार्ले को केबिन में बुला रहा था। दूसरी तरफ जॉनस अपनी दादी आइनेस से अपने पिता माइकल का सच पूछता है और आइनेस जॉनस को वही लेटर देती है जो माइकल ने मरने से पहले लिखा था। दिस अगेन वॉज शॉकिंग क्योंकि जॉनस ने खुद अपने हाथों से इस लेटर को जला दिया था, लेकिन ये लेटर तो अब तक सही सलामत आइनेस के पास थी। अब ऐसा कैसे हुआ ये आपको इसी वीडियो में आगे पता चलेगा, सो कीप वॉचिंग द वीडियो। तो दोस्तों, जॉनस बोलता है कि वो खुद एक गलती है क्योंकि ही वॉज नॉट सपोज टू बी बॉर्न, लेकिन आइनेस उसे कंसोल करती है कि जो पास्ट था वो बीत गया है और जॉनस शुड फोकस ऑन द प्रेजेंट। जॉनस आइनेस की बात ना सुनते हुए डिसाइड करता है कि वो 1986 में जाकर मिकेल को यहाँ वापस लाएगा ताकि सब कुछ सही तरह से सेट हो जाए। यहाँ से कहानी वापस 1986 में जाती है जहाँ टेनहॉस स्ट्रेंजर को अपनी
टाइम मशीन दिखाता है। टैनोहॉस बताता है कि ये दोनों सेम टाइम मशीन है और ये ठीक वैसी ही सिचुएशन है जहां बिगिनिंग और एंड एक जगह पे है। असल में टाइम मशीन तो सिर्फ एक ही थी, लेकिन इस सिचुएशन में एक ही टाइम मशीन दो डिफरेंट टाइम लाइन से एक जगह पे थी। ये सिचुएशन एक पैराडॉक्स की तरह है और टैनोहॉस इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, पैराडॉक्स शब्द का अर्थ होता है विरोधाभास, और अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो पैराडॉक्स ऐसी सिचुएशन है जहां दो बिल्कुल ही उल्टी स्टेटमेंट्स एक दूसरे को गलत साबित कर रही हो, लेकिन असल में दोनों स्टेटमेंट्स सच है। तो इस पैराडॉक्स को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 1953 में बूढ़ी क्लॉडिया ने टैनोहॉस को एक ब्लूप्रिंट दिया था जिससे टैनोहॉस टाइम मशीन बना सके। इस ब्लूप्रिंट की मदद से टैनोहॉस ने टाइम मशीन बनाना शुरू किया, लेकिन वो इसे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। 1986 में स्ट्रेंजर टैनोहॉस को फ्यूचर से टाइम मशीन लाकर दिया, जिसकी मदद से टैनोहॉस अपनी टाइम मशीन कंप्लीट कर पाए। यानी कि टैनोहॉस ने अपने ही द्वारा बनाई गई टाइम मशीन के फ्यूचर इंस्टेंसेस की मदद से पास्ट में टाइम मशीन बनाया। यही वजह है कि जब स्ट्रेंजर ने टैनोहॉस को फ्यूचर वाली मशीन दी तो टाइम का एक ही इंस्टेंस में दो टाइम मशीन थी जो कि असल में सेम मशीन थी। अब दोस्तों, यहां टैनोहॉस के पास अल्रिक की मोबाइल फोन थी और इस फोन के सिग्नल से टाइम मशीन रिएक्ट करता है। मशीन के अंदर एक ओपनिंग थी जहां कुछ ऐड किया जा सकता था, और यहां स्ट्रेंजर वही मटेरियल यूज करता है जो कि उसने बैरल से चुराया था। दरअसल ये मटेरियल थी CS-137 जो कि सीजियम का एक आइसोटोप है। ये मशीन हिग्स फील्ड क्रिएट करता है जिसकी मदद से सीजियम का मास इंक्रीज होता है। इसके बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स की मदद से ये मास इम्प्लोड होता है जिससे एक ब्लैक होल क्रिएट होती है। नाउ आई नो ये कुछ ज्यादा ही साइंटिफिक है और इस टॉपिक पे डिटेल में हम किसी और वीडियो में बातें करेंगे। फिलहाल आप बस इतना समझ लीजिए कि ये मशीन CS-137 की मदद से ब्लैक होल क्रिएट कर सकता था। स्ट्रेंजर इस पूरी तरह से तैयार टाइम मशीन को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ 2019 वाले हेल्गे 1986 वाले हेल्गे से मिलता है और वो उसे लोगों को किडनैप करने से मना करता है। 2019 वाले हेल्गे का कहना था कि नोआ झूठा है और वो एक इविल इंसान है। इन बातों को सुनकर 1986 वाला हेल्गे यहां से भाग जाता है और वो भाग कर सीधा नोआ के पास पहुंचता है। नोआ फिर से 1986 वाले हेल्गे से बातें करके उसे ब्रेन वॉश करता है और नोआ उसे अपनी एक कहानी भी सुनाता है। नोआ बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके पड़ोस में एक स्ट्रेंजर रहता था जो कि हमेशा उदासी था। नोआ स्ट्रेंजर के पेन को समझ नहीं पाता था, लेकिन वो उसे फील कर पाता था। एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ नोआ उस पेन को समझ भी पाया। इस बात पे हेल्गे पूछता है कि आगे वो लोग किसको किडनैप करेंगे, तो इस पे नोआ जोनस का नाम लेता है। यहाँ सीन चेंज होकर जोनस पे फोकस करती है जहाँ जोनस 1986 में पहुंच चुका था। जोनस मिकल को 2019 में वापस ले जाने आया था और इसीलिए वो डायरेक्टली विंडन शहर के हॉस्पिटल में जाता है। यहाँ मिकल के रूम में नोआ था और जब जोनस इस रूम में जाता है तो हेल्गे पीछे से आकर उसे नॉकडाउन कर देता है। इट मीन्स कि नोआ और हेल्गे ने मिलकर अब जोनस को किडनैप कर लिया है। तो जब जोनस को होश आता है तो वो ब्लू अंडरग्राउंड केबिन में था और इस केबिन के बाहर स्ट्रेंजर आता है। स्ट्रेंजर बताता है कि नोआ ने जोनस को यहाँ कैद किया है और इस केबिन के अंदर जो चेयर है वो टाइम मशीन की प्रोटोटाइप है। स्ट्रेंजर का कहना था कि विंडन केव इस केबिन के ठीक नीचे है और जब भी केव्स के डोर को खोला जाता है तो वहाँ की एनर्जी इस रूम के थ्रू फ्लो करती है। ये एनर्जी काफ़ी वीक है जिसे इंक्रीज करने की ज़रूरत है, और इसी वजह के कारण ये प्रोटोटाइप मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है। जोनस स्ट्रेंजर से पूछता है कि आखिर वो है कौन, और इस पे स्ट्रेंजर का कहना था कि वो और कोई नहीं बल्कि जोनस खुद है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद हो तो जोनस ने लेटर को जला दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो लेटर आइनस के पास सही सलामत थी। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल क्योंकि लेटर तो सिर्फ एक ही है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आइनस ने जब जोनस को लेटर दिया तो जोनस ने इस लेटर को आगे 33 साल तक कैरी किया और फिर वो वापस आकर खुद को वही लेटर दिया। 2019 वाले जोनस ने उस लेटर को जलाया जिसे फ्यूचर जोनस ने उसे दिया था, विच मीन्स कि वापस से एक ही टाइमलाइन में दो सेम लेटर्स मौजूद थे जो कि अलग अलग टाइमलाइंस के थे। दिस अगेन इज अ पैराडॉक्स। स्ट्रेंजर कहता है कि उसने ये सब कुछ पहले ही एक्सपीरियंस कर रखा है, जस्ट दैट पहले वो इस केबिन में कैद था और उसका फ्यूचर जोनस उसे समझा रहा था। 2019 वाला जोनस स्ट्रेंजर को चिल्लाते हुए बोलता है कि उसे मिकल को 2019 ले जाना है, लेकिन स्ट्रेंजर का कहना था कि मिकल तो बस इस बीमारी का एक छोटा सा हिस्सा है। आगे फ्यूचर में और भी कुछ बहुत बुरी चीज़ें होने वाली हैं और अगर इन चीज़ों को रोकना है तो उसे ये वॉर्म होल डिस्ट्रॉय करना होगा। दूसरी तरफ हम भी उस 2019 वाले हेल्गे को देखते हैं जो कि अपनी कार को 1986 वाले हेल्गे के साथ क्रैश कर देता है। इस क्रैश में 2019 वाले बूढ़े हेल्गे मारे जाते हैं और 1986 वाले हेल्गे को डिमेंशिया होता है। जी हाँ दोस्तों, इसी एक्सीडेंट की वजह से 2019 वाला हेल्गे थोड़ा अजीब था और हमें पता चल रहा है कि ये एक्सीडेंट उसने खुद ही अपने 1986 वाले वर्जन के साथ किया था। इफ़ यू कैन सी, ये सब एक लूप में है और आज का दिन ही वो दिन है जब इस लूप की शुरुआत और अंत एक साथ मिलेगी। एपिसोड के लास्ट कुछ सीन्स में हम कई सीन्स एक साथ देख पाते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइन से थी। बार्तोस नोआ से मिलता है और नोआ का कहना था कि अब सब कुछ शुरू होगा। नोआ के हिसाब से फ्यूचर जोनस वार्म होल को डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि क्रिएट कर रहा है, विच अगेन इज अ पैराडॉक्स। स्ट्रेंजर की मशीन का सीजियम वार्म होल को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा बल्कि इस मशीन की ही वजह से वार्म होल क्रिएट होगी। नोआ के हिसाब से क्लॉडिया ने जोनस को मिसगाइड किया है और जोनस ऐसा मानता है कि वो एक सेवियर है, लेकिन एक्चुअल में वो सेवियर नहीं है। नोआ का कहना था कि सभी लोग एक शतरंज के प्यादे की तरह है जहां उनका बलिदान जरूरी है फॉर द ग्रेटर गुड। यहाँ एक वॉर है बिटवीन गुड एंड ईविल, या फिर लाइट एंड शैडो, और ये दोनों ग्रुप इस टाइम ट्रेवल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नोआ के हिसाब से वो लाइट को रिप्रेजेंट करता है, ऑल्दो उसका काम डार्क नेचर का है। जब तक लोग इस टाइम लूप में फंसे हैं उन्हें ठीक वैसा ही करना होगा जैसा पहले हुआ था,
ताकि ये लूप ब्रेक ना हो। ऐसा करने के लिए उन्हें शायद सैक्रिफाइसेस देना पड़े, लेकिन इवन दैट इज वर्थ। नोआ बार्थोस को बोलता है कि क्लॉडिया का ग्रुप इनह्यूमन है और वो लोग लाइट नहीं बल्कि शैडो को बिलोंग करते हैं। वो बार्थोस को अपनी दादी पे भरोसा करने से मना करता है और वो बताता है कि जॉनस बस क्लॉडिया के इशारों पे ये सब कर रहा है। नोआ बोलता है कि वो बार्थोस के साथ मिलकर ह्यूमैनिटी को इमैच्योरिटी से आज़ाद करेगा, और ऐसा कहने के बाद वो अपनी किताब बार्थोस को देता है। एपिसोड के लास्ट सीन में फ्यूचर जॉनस मशीन स्टार्ट करता है और ये मशीन केबिन के अंदर एक ब्लैक होल क्रिएट करती है। यहाँ हमें 1953, 1986 और 2019 के टाइमलाइंस की ग्लिम्सेस मिलती है और हर टाइमलाइन में लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। हर टाइमलाइन के लोग समझ पा रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है और आसमान में एक ब्लैक थिंग अपीयर होती है। 2019 वाला जॉनस केबिन में फंसा था और इस केबिन के बीचों बीच एक वार्म होल क्रिएट होती है जिसके थ्रू वो 1953 में देख पा रहा था, और 1953 में इस केबिन में छोटा हेलगे था। हेलगे और जॉनस एक दूसरे को टच करते हैं और ऐसा होते ही छोटा हेलगे 1986 में पहुंच जाता है और जॉनस एक अननोन टाइमलाइन में पहुंचता है जहां इस केबिन के अंदर ढेर सारे अम्यूनिशंस और डिफरेंट टाइमलाइंस के पिक्स थे। जॉनस केबिन से बाहर निकलता है जहां उसे ढेर सारे जले हुए कार्स दिखते हैं और एक कार में कुछ आर्म्ड लोग आते हैं जो कि जॉनस को नॉक डाउन करते हैं, और उनमें से एक लड़की बोलती है वेलकम टू द फ्यूचर। डार्क सीरीज की सीजन 1 यहीं